तैयार होके अभी निकलना है। हाँ। आज बलि का बकरा मुझे ही बनना था। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। हाँ हाँ, इतनी क्लीन सुबह देखने का मज़ा अलग ही होता है। और चारों तरफ ना देवदार के पेड़ हैं, यहाँ पर लंबे लंबे। बहुत ज़्यादा ठंडी है, उंगलियाँ पूरी जाम हो चुकी है मेरी, लेकिन सर्दियों में अपना मज़ा है। और यहाँ पर ना इस टाइप की ये बनी हुई है कॉटेज, जो मैं आपको बता रही थी रात में, तो ये केबिन्स टाइप है अलग अलग। अगर बंदर आया मैं तो भाग लूंगा। तुम अपनी प्लेट अपने हाथ में रखो और भाग लेना सीधा। कशिश आ रहा नहीं आ रही? कशिश बंदर से डर के बैठी है। चीनी इतनी ज्यादा क्यों है? खाने ये क्या करना, खाने खाने ठंडी में गर्मा गर्म चाय। ठंडी बहुत है यहाँ पे, बर्फ नहीं पड़ी है, बाकी सब ठीक है। बस स्नोफॉल हो जाए उसी की तलाश में आए थे। हाँ। लेकिन लग नहीं रहा कि स्नोफॉल होगा, तो चेंज इन प्लान्स हो सकते हैं कुछ। हाँ, प्लान कर रहे हैं, देखते हैं बताते हैं। लेकिन हाँ, इतनी ठंडी में अच्छी अच्छी मजा बहुत आ रहा है। अभी बस हम लोग रेडी होंगे। अभी तो रात में पता है क्या क्या नहीं पहन रखा है इसके नीचे मैंने, इसलिए थोड़ी लग रही होंगी फूली फूली सी। लेकिन ठंड से बचना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बस शावर लेंगे और उसके बाद चेंज करेंगे और कहीं घूमने निकलेंगे। वैसे तो नेचर का मजा लो यार, कहीं बाहर आते हो तो हमेशा, ज़रूरी नहीं कि कुछ प्लान करो, कभी कभी नेचर के बीच में रहना भी बहुत अच्छा लगता है। और जब इतनी क्लीन एयर हो, इतनी प्यारी वादियाँ हो, इतने बड़े बड़े देवदार के पेड़ हों, चारों तरफ पहाड़ हो, तो मज़ा क्यों नहीं आएगा। और यहाँ पे बंदर भी आते हैं बहुत सारे, इसीलिए प्रशांत नाश्ता भी हाथ में लेके कर रहे थे। मैंने कहा बंदर आया तो मैं तो भाग लूंगा यहाँ से। तो देखिए गाइस, एक कोई बबुआ बन के बैठा है और आज एक बहुत बड़ा वाला कांड हो गया। आज ये हुआ इनका, इनके साथ। हाँ रख दो, यहीं रख दो, रखो। गाइस हुआ क्या, जैसे कि आप ये पानी की बाल्टी देख रहे हैं, फ्रीजर ऑन करने के बाद भी पानी नहीं गर्म कर रहा है। जब मैं बाथरूम में गई तो मुझे थोड़ा बहुत पानी मिला, तो मुझे लगा कि पानी रनिंग में होगा, गर्म पानी है, तो बेड बाथ लेना था, तो मैंने शैम्पू वैम्पू लगा लिया अपने बालों में। पानी जैसे चलाया पूरा चिल पानी, यहाँ पे वैसे इतना ठंडा पानी मैं बता नहीं सकती। और मैं 20 मिनट तक बैठी रही उसी ठंडे पानी में, सर पे शैम्पू लगा के, अब गर्म पानी आएगा, अब गर्म पानी आएगा। जब ये रोई है तब मुझे सुनाई दिया, तब ये क्या पानी नहीं आ रहा, मैं इतनी देर से बैठी हुई। फिर मैंने होटल वाले को बुला के डांटा उसको, मैंने कहा भैया तुम्हें बताना चाहिए था। तो उसके बाद में खैर वो बेचारा बंदा सही है, उसने जल्दी जल्दी दो बाल्टी गर्म पानी लेके आया। जरा ध्यान रखिए, आप लोग भी बाहर आए तो बाथरूम में जाए तो पहले चेक कर लें कि तब आ रहा था, कितनी देर तक आ रहा था, मुझे लगा रनिंग में आता रहेगा जैसे। अच्छा, जैसे हम घर पे आते हैं तो अभी तुम जरा थोड़ी तैयार होके अभी निकलना है। हाँ। आज बलि का बकरा मुझे ही बनना था। सबसे पहले नहाने का मैंने ही सोचा, पता नहीं क्यों, वैसे अच्छा भी हुआ मैंने सोचा, क्योंकि कशिश अगर नहाने चली जाती वो तो बहुत परेशान, वो झेल नहीं पाती। मैंने तो फिर भी झेल लिया एक बार को, मैंने सोचा ठंडे पानी से ही नहा लेती हूँ। और मैंने एक आध मग्गा डाल भी लिया ये सोच के, चलो अब गर्म आ ही नहीं रहा तो क्या करूँ। फिर वो मुझे एकदम से ठंडा पानी डालने के बाद जो मुझे रोना आया है ना, तो प्रशांत मुझे बोलते हैं कि रीमा तुम रो रही हो क्या बाथरूम में, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। रेडी हो गए है ना, जान पे बनाई आज रीमा जी की है। हाय, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ आज, और मैंने बहुत ही डिफरेंट सा लुक किया है। लाइट करो। हाँ कशिश रेडी है। और आज का आउटफिट मेरा बहुत ही प्यारा है, एंड आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद इट, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ डेफिनेटली। I'm walking on.
या लाइक कैप बोल दो। और इसके साथ मैंने पहना है ये नेकलेस और इसके नीचे मैंने पहना है टर्टल नेक, और टर्टल नेक के ऊपर मैंने लेयर किया इसे विद दिस ओवरसाइज्ड क्रू नेक दैट यू गाइस सॉ इन मम्मीज हॉल। ऑल्सो आई एम वेयरिंग ब्लैक जीन्स, दीज आर लाइक स्किनी ब्लैक जीन्स विद बूट्स। आई डोंट इवन फील कोल्ड ऑनेस्टली गाइस। मैंने इसके नीचे वो पहना है थर्मल, उसके ऊपर मैंने टर्टल नेक पहना है, टर्टल नेक स्वेटर, और उसके ऊपर ये पहना है। तो ठंड तो नहीं लग रही होगी? नहीं, हवा तो चल रही है बट धूप भी है साथ में, तो इस वजह से इतनी ठंड नहीं है जितनी अंदर थी रूम में। और ये है इनका आउटफिट। तो ये डैडी दोनों वाइफ है। वाओ कितने क्यूट लग रहे हो दोनों साथ में, एक फोटो खींचा। बहुत ही प्यारे लग रहे हो तुम दोनों एक साथ। तो मम्मी ने पहनी है लेदर जैकेट। यस, और मैंने इसको पेयर किया है नीचे वाइट स्वेटर के साथ, और नीचे मैंने पहनी है चेकर्ड पैंट और विद बूट्स। बहुत सनलाइट हो रही है यहाँ पे। निकलने वाले हैं इको पार्क के लिए। यस, तो आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ वहीं पर। वैसे प्रशांत बहुत अच्छे लग रहे हो आप आज। विशिंग यू गाइज मैरी क्रिसमस। All we want to say is have a very nice Christmas, happy Christmas. Hopefully आप लोगों के घर में खूब सारा मजे हो, खूब सारे मजे हो, और सब लोग चॉकलेट और कैंडीज खाएं और हॉट चॉकलेट पिए और हॉट चॉकलेट पिए। तो आप लोग की क्रिसमस कैसी जा रही है बताना जरूर। यस, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने क्या किया, कहीं गए या फिर घर पर ही एक अच्छा सा डिनर प्लान किया, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं? हाँ, न्यू ईयर के प्लान्स जरूर बताइएगा हमारे साथ, शेयर करना, हम लोग भी आपके साथ रेगुलर शेयर करते रहते हैं। तो आज मैं, मम्मी और डैडी तीनों वाइट हो गए हैं, पहन रखे हैं, और हम लोग बंदर आ गए, बंदर आ गए, बहुत सारे बंदर है यहाँ पे गाइज। अभी हम चलते इको पार्क क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं। चलो मम्मी चले। ये बंदर यहाँ पे आतंक मचाया हुआ है। ले लिए मैंने अपने और आपके, लॉक करो और निकल लो। मुझे मुझे बस हाथों में ठंड लग रही है और कहीं नहीं लग रही। हाथों में लग रही है ना? पता है आज तो मेरे पैरों में भी नहीं लग रही ठंड। अच्छा, तो ये ब्लैक मास्क है जो आज फैन में काम आ रहा है। ये मैं लाई थी तेरे लिए। खुश है बच्चा? फाइनली हम लोग तैयार होके निकल लिए, सुबह जो हुआ था उसे भूलकर। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं इको रिजॉर्ट। yes. जो हमारे होटल रिजॉर्ट नहीं है, पार्क है। मतलब हमारे होटल से थोड़ा सा ही दूर है इसलिए हम पैदल चल के जा रहे हैं। हाँ, धूप तो अच्छी हो रही है। तो जब हम आए थे ना कल, तो हो रही थी रात, तो हम लोगों ने अच्छे से देख नहीं पाए। तो आज दिन में जाने से मज़ा आ रहा है क्योंकि तो हर एक चीज़ अच्छे से दिखाई दे रही है। yes. सड़कें बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। अब रात में इतनी पतली लग रही थी। हाँ। और अंधेरे में भयानक भी लग रही थी। हाँ। जबकि अब सब कुछ सही लग रहा है। हाँ। और अच्छा मौसम भी हो रहा है, मुझे ठंड भी नहीं लग रही आज। और मास्क यहाँ पर पहनना नेसेसरी है। लोगों का चलान काटते हैं, चलते हुए लोगों का चलान काट रहे हैं। सेफ्टी पहले। यहाँ पे हो रहा है फोटो सेशन। तो ये है स्कूल का ग्रुप, कोई आया हुआ है, बच्चे यहाँ पे फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। और ये रीमा भी, मम्मी का ग्रुप, ये हम तीनों का ग्रुप है। और रीमा जो है अपनी फोटो खिंचवा रही है मस्त मस्त, जो आपको इंस्टाग्राम पे मोस्ट प्रोबेबली दिखाई देगी देखने को। कैसे जा टिकट ले? कहाँ से? ये रहा ना। हो गए? ले
लिया था? यस 50 से 25। ओके क्यों खड़े हुए हो? चलना नहीं है इको पार्क? दौड़ लगाओ चलो। कोशिश उस पे चलोगे? एक्टिविटीज भी है। चलो मैं बताऊं, हम लोग जा कहाँ रहे हैं बाय द वे? सबसे टॉप पॉइंट पे जो वो है। लोग चल रहे हैं ऊपर ऊपर ऊपर, ये उल्टा चलेगी और गिरेगी तब मालूम पड़ेगा। जो गिरेगा अपनी मरम पट्टी का खर्चा खुद स्वयं उठाए। हाँ हो गई और क्या। तो दोस्तों ये मेरी स्वीट सब्सक्राइबर हैं जो मुझे यहीं पर मिली हैं अभी। बहुत मैं रीमा दी का व्लॉग देखती हूँ, बहुत इंस्पायरिंग होता है, स्पेशली खाने का व्लॉग। थैंक यू रेसिपीज। और मैं बस देख के आई थी कि आप पैकिंग कर रहे हो। अच्छा। मैं वेट कर रही थी आप कहाँ जाओगे और आप यही मिल गए। मैंने ऐसे सरप्राइज रखा था एक्चुअली। अच्छा। तो मैंने सोचा कि आपके सारे व्लॉग सरप्राइजेज रहते हैं। आप बोलते हो कि अब आप देखिएगा आपको अच्छा व्लॉग मिलेगा, तो हम भी बहुत वेट करते हैं। आपको पसंद आता है? बहुत। मैं मिस नहीं करती हूँ। आपका नाम क्या है? तलत। और इन दोनों का क्या नाम है? शामिर तौकीर। ओ वाओ, बहुत ही क्यूट नेम है, बहुत ही प्यारा सा नाम है। फाइनली हम लोग इको पार्क में हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। यूहू, कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा लग रहा है, थक गए हैं बहुत बुरी तरीके से। और मैंने जो इतनी लेयर्स पहनी है वो अब गर्मी में बदल चुकी है। इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे, बिल्कुल मौसम नहीं हो रहा स्नो का, बट लेकिन बहुत मज़ेदार है तब भी। बहुत ही मतलब विंटर में भी इतना अच्छा सनी लग रहा है। हाँ। यहीं पर चटाई बिछा के यहीं पर सो जाओ। सबसे अच्छी बात क्लीन एयर। हाँ बहुत। और ये पहाड़ दूर दूर तक है। पहाड़ हमारे फेवरेट पहाड़। ये जगह बहुत नेचुरल होती हैं, अच्छी हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोगों ने प्लास्टिक बॉटल्स और कूड़ा फेंक रखा है। प्लीज डोंट डू दैट। इंडिया वैसे ही बहुत ज्यादा सिटीज क्राउडेड हैं। हम लोग रिलैक्स करने यहाँ पे आते हैं, तो एटलीस्ट जो नेचुरल अनटच जगह है उनको आप लोग प्लीज मेंटेन करिए। तो गाइस ये है कद्दू खाल, ये देखिए कद्दू खाल। हम कद्दू खाल के रास्ते जा रहे हैं। तो गाइस हम लोगों ने ये भी देखा कि जो लोग चलान कट गया, जिसने मास्क नहीं पहन रखा था, तो मास्क जरूर पहन लीजिएगा। जो आज बड़ी चेन वेन पहनी है तूने। ब्यूटीफुल वुमन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। इतने सारे चिकन धूप सेक रहे, भागेंगे नहीं है। अच्छा इससे ऊपर नहीं जा सकते? नहीं, चले
तो गाइस हम लोग रॉक रिजॉर्ट की तरफ वापस आ गए हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से गई मेरी क्रिसमस की सुबह। आप लोगों की कैसी गई क्रिसमस मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में। और क्रिसमस की शाम को हम लोगों ने क्या क्या किया और किस तरीके से हमारी शाम बीती वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और उसके लिए आप नेक्स्ट व्लॉग से जुड़े रहना क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग मिलने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। Are catching up.